वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द 70 डेज कंप्लीट मैथ कोर्स की सीरीज चल रही है, जिस जो आपको हर एग्जाम के लिए बेनिफिट है, चाहे आप एसएससी सीजीएल की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीपीओ की, चाहे बैंक पीओ की। ये है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 7। ऑलरेडी मैं 3 टॉपिक्स कंप्लीट करा चुका हूँ, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम एंड परसेंटेज। ये आपको प्री और मेंस दोनों लेवल के क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं तो इसकी प्लेलिस्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, बाइलिंगुअल फॉर्मेट वाली, आप देख सकते हैं। ऑलरेडी मैं बता दूं, 5 वीडियो आपको डेली मिल रही हैं, 3 वीडियो अर्थमेटिक की और 2 वीडियो एडवांस मैथ की। तो इस तरह से हम पूरा का पूरा टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। ये है प्रॉफिट एंड लॉस का 7th पार्ट। डेली आपको 5 वीडियो मिलेंगे, 3 वीडियो अर्थमेटिक, 2 वीडियो एडवांस मैथ की। इस तरह से 70 डेज के अंदर 17x5 350 प्लस वीडियो के अंदर आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट होने वाला है। अगर आप भी इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यहाँ पे 200 रुपये या आप 100 रुपये पे आउट कर सकते हैं वाया पेटीएम ऐप्स, तेज ऐप्स के थ्रू, और ये है SBI अकाउंट का डिटेल्स, इसके थ्रू भी आप पे आउट कर सकते हैं। आप पे आउट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट इस नंबर पे सेंड करना है, और ताकि मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकूं, जहां पे आपको PDF भी प्रोवाइड कर रहा हूं, साथ ही साथ 7300 प्लस बुक्स की डिस्कशन भी करा रहा हूं। और PDF का क्या बेनिफिट है कि जैसे देखो, मैंने 3 टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम और परसेंटेज। तो ये हर एक क्वेश्चन में, जैसे ये 15 वीडियो में कंप्लीट कराया हूं, 9 वीडियो में, और ये 20 पार्ट में। तो इस तरह से जितने भी इसके क्वेश्चन है, जैसे इसमें 50 से 60 क्वेश्चन हो गए, इसमें 40 क्वेश्चन हो गया, और परसेंटेज में मैंने अप्रोक्सीमेट 100 क्वेश्चन कराए हैं, वो सारे के आपको PDF बाइलिंगुअल में मिलेगी। तो बहुत सारे हेल्प मिलने वाला, कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो वो भी चीज़ वहाँ पे डिस्कस की जा रही है। यानी 350 प्लस वीडियो अगर बात करें 200 रुपये की भी ना, तो देखो एक वीडियो की कीमत भी 50 पैसे से कम आएगी। तो इस तरह से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं अगर आप भी इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, अब आपको ये प्री का क्वेश्चन है, इसके बाद 2 क्वेश्चन कराऊंगा मेंस के, इसी लेवल पे है। क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं आती, मेंस में क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन कर देता है, आप लैंग्वेज में फंस जाते हैं। बट लैंग्वेज में फंसना नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या करा है, ए सेल एन आर्टिकल टू बी। अब देखो, अभी तक हम जितने भी पार्ट कर रहे थे ना, उसमें क्या था, अलग अलग आर्टिकल को बेचा जा रहा था। लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट है ना, सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट है, सक्सेसिव कॉन्सेप्ट। जैसे अगर आप परसेंटेज में पढ़ोगे, इसमें क्या होगा सक्सेसिव में, कि ए कोई, जैसे आपने कोई सामान खरीदा, आपने सामान खरीदा, उसको आपने बेनिफिट कुछ रुपए का खरीदा, उसके बाद उस पर आप कुछ ने बेनिफिट लेने के लिए दूसरे को आपने ज्यादा में बेच दिया, वो उस पर्सन ने उस अपने बेनिफिट लेने के तीसरे को बेच दिया, यानी और इसी तरह से सो ऑन चलता चला गया। यानी कि एक ही वस्तु को लगातार बेचा जा रहा है, मतलब सक्सेसिव वन, एक के बाद एक के बाद एक, उसी पे प्रॉफिट लॉस में होते हुए बेचा जा रहा है। तो दैट इज कॉल्ड द सक्सेसिव। सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट ये है। तो सक्सेसिव के कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी परसेंटेज में भी देख चुके हैं। तो यहां पर देखते हैं क्वेश्चन क्या करा है, ए सेल एन आर्टिकल टू बी एट इतना परसेंट प्रॉफिट, करा ए ने बी को सेल किया इतने परसेंट प्रॉफिट में, बी सेल टू सी इतना परसेंट प्रॉफिट। तो बी ने क्या कर दिया, उसी आर्टिकल को सी को सेंड कर दिया, सी को बेच दिया 20% प्रॉफिट पे, एंड सी सेल टू डी इतना परसेंट लॉस। तो सी ने क्या किया, लॉस सहते हुए डी को बेच दिया। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइज ऑफ डी इज, कॉस्ट प्राइज ऑफ डी, फाइनली कॉस्ट प्राइज ऑफ डी, डी का जो कॉस्ट प्राइस है वो इतना रुपए है, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। तो कॉस्ट प्राइस ए आर्टिकल कितने में, वो ए जो पर्सन है वो उस आर्टिकल को कितने में खरीदा था। क्वेश्चन ध्यान से देखो, ए एक वस्तु बी को इतना परसेंट पर बेच देता है, जबकि बी उसे सी को इतना रुपए लाभ पर बेच देता है, सी डी को इतने रुपए हानि पर बेच देता है। अगर डी का क्रय मूल्य इतना रुपए है तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है। इसको हम 2 अप्रोच से बनाएंगे, एक तो बेसिक अप्रोच और दूसरा हमारा शॉर्ट अप्रोच जो रेशियो मेथड चल रहा है, सक्सेसिव का डिस्काउंट जो हम परसेंटेज में ऑलरेडी आपको सिखाया था उस पर हम यूज करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दूं, परसेंटेज टॉपिक जो लोग नहीं देखे हैं, 20 पार्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं, प्री और मेंस दोनों लेवल के क्वेश्चन कंप्लीट कराया हूं बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, तो आप जाके जरूर देख लें ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। अब देखो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, कि कोई पर्सन ए, देखो कौन से हैं, ए बी सी डी हैं। ए ने क्या किया, ए का जो कॉस्ट प्राइस है, ए ने सामान खरीदा उसको बी को बेच दिया,
तो यानी कि बी ए का जो सेलिंग प्राइस है बी के लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ए ने बी को बेचा तो बी ने उसको खरीदा होगा, यानी ए का सेलिंग प्राइस, ए का सेलिंग प्राइस, ए का विक्रय मूल्य बी के क्रय मूल्य के बराबर होगा, और बी जब बेचेगा सी को तो बी का जो सेलिंग प्राइस है सी के लिए क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस, और सी डी को बेचेगा यानी सी का जो सेलिंग प्राइस होगा डी के लिए क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस। और यही क्वेश्चन में क्वेश्चन कहते जा रहा है, यही चीज इंपॉर्टेंट है। इस एक ही वस्तु को देखो, एक वस्तु खरीदा ए, बाकी उसी चीज को क्या है अप डाउन करके बेचा जा रहा है, यानी डेट इज द केस ऑफ सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब लगातार एक ही वस्तु को लगातार बेची जा रही है। मैं क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए क्वेश्चन का, फॉर्मेट क्या है। अब देखो ध्यान से देखो, इसको हम बेसिक अप्रोच से कैसे बनाते हैं। बेसिक अप्रोच, ए ए था मान लेते हैं, ए ने 100 रुपये का सामान खरीदा, फॉर एग्जाम्पल, उसने क्या किया, 12.5% का प्रॉफिट पे बेच देता है, 12.5% के प्रॉफिट पे, यानी प्रॉफिट कितने, 100 रुपये का सामान था, इतना रुपया का प्रॉफिट, यानी कितने में बेचा होगा, इतना रुपये में, किसको बेचा, बी को, तो बी का ये क्या बन गया, क्रय मूल्य बन गया ना, ए का सेलिंग प्राइस बी का क्रय मूल्य बन गया। अब बी ने कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेच दिया, बी ने सी को 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, यानी 112.5 का 1/5 कर लोगे, 20% कर लोगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 50 बजे 22.5 रुपये, यानी 22.5 रुपये, 22.5 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, यानी बेचा कितने में, इतना रुपये में खरीदा, इतना रुपये का प्रॉफिट, यानी बेचा, जोड़ देंगे इसको तो जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 135 रुपये आ गया। क्यों, देखो 22 यानी कि इसको 112 में 22 जोड़ोगे तो कितना हो, 134, और हाफ हाफ जोड़ोगे तो 135 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ये सी है, बी ने सी को बेच दिया, तो सी बी के लिए सेलिंग प्राइस है, लेकिन सी के लिए क्या है, क्रय मूल्य। अब सी ने क्या किया, डी को बेच दिया, कितने परसेंट पे, सी ने डी को 20% हानि पे बेच दिया, 20% लॉस पे, यानी 135 का 20% यानी 1/5, यानी कितना हो गया, 5 दूनी 10 और 5 सते 35, यानी 27 रुपया का लॉस पे बेच दिया, घटा दूं 135 में 27 तो कितना हो गया, 108 यूनिट। अब देखो इस 108 यूनिट की वैल्यू, ये सी ने डी को बेचा, यानी डी का, ये डी के लिए क्रय मूल्य हो गया, ये वाला 108 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो ध्यान से कि कितने, डी का क्रय मूल्य कितना है, 1080। क्यों, क्योंकि सी ने बेचा तो डी ने खरीदा, तो 108 यूनिट की वैल्यू, हम मान लेते थे कि स्टार्टिंग में क्या था, 100 यूनिट, रुपया ना मान के हम यूनिट मानते हैं, और आपको पता भी होगा ये, तो 108 यूनिट की वैल्यू इतने रुपए, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू कैंसिल यानी 10 हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 10, तो हमसे पूछ क्या रहा है, ए का क्रय मूल्य, ए कितना यूनिट है, 100 यूनिट, तो 100 इंटू क्या, एक यूनिट की वैल्यू 10, तो 100 यूनिट की 100 इंटू 10 यानी कितना हो गया, 1000 रुपया। तो ये तो रहा हमारा बेसिक अप्रोच कि हमें कैसे आगे मूव आउट करना है, क्वेश्चन के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें बढ़ जाना है। लेकिन अगर मेंस के क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करें ना, तो आप इस वे से बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो अलग अलग 16.5% आ जाए, कुछ 62.5% आ जाए, तो हमें फ्रैक्शन पता है ना, तो इसीलिए हम फ्रैक्शन वे अपनाएंगे। अब देखो मेथड टू अप्रोच कितना, हम सक्सेसिव रेशियो वाला कैसे हम बनाते थे वो भी चीज़ आपको पता लग जाएगा। मेथड टू क्या कह रहा है, देखो पहला चीज़ 12.5% का क्या हो रहा है, 12.5% का क्या हो रहा है, फर्स्ट में प्रॉफिट का मतलब 1/8, यानी प्रॉफिट का मतलब प्लस, यानी क्या हो गया, सीपी लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एसपी। फर्स्ट में क्या हो गया, 8 का सामान 9 में बेचा गया। दूसरा देखो आगे 20% का क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है सेकंड में, तो 20% 1/5, प्रॉफिट का मतलब प्लस, यानी 5 का सामान कितने में, 6 में बेचा गया। थर्ड आर्टिकल के बारे में क्या कहा गया, थर्ड के बारे में दिया गया कि 20% का लॉस, यानी 20% का लॉस का मतलब 1/5, लॉस का मतलब माइनस, यानी 5 का सामान कितने में बेचा गया, 4 में। अब देखो यहां पे देखो, अगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर अलग अलग वस्तु को बेचा जाता, अगर अलग अलग वस्तु को बेचा जाता तब तो हम टोटल सीपी ऐड करते, क्योंकि टोटल सीपी और टोटल एसपी, एक ही वस्तु को घुमा घुमा के बेचा जा रहा है, एक ही वस्तु है उसी को ले लेके बेचा जा रहा है, यानी सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट, सक्सेसिव में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, आपको बताया था ना मल्टीप्लाई करने के लिए कि या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो या तो जो कट रहा है उसको काट लो। तो देखो 2 4 दूनी कितना हो गया 8 और 2 3 कितना हो गया 6,
मैंने आपको बताया था ना, क्रॉस सामने सामने नहीं कर सकते हैं, ये वाला आपस में नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं। अब ये जिनको उन्हीं को समझ में आएगा जिनको परसेंटेज पूरा देखे हैं मेरी वीडियो, अदरवाइज उनको नहीं समझ में आएगा कि ये क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अब देखो तो टोटल सीपी कितना हो गया, 5 हा के 25 और एसपी कितना हो गया, 39 27। अब आप सोच रहे होगे कि ये कर क्या रहा हूं, तो देखो कर क्या रहा हूं, रियल में क्या है, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा। अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी ये ए आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, यानी ए इज टू डी आ गया क्वेश्चन में। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, डी का क्रयमूल कितना है, इतना रुपया। अब देखो डी का, सी ने डी को बेचा, तो ये जो डी, ये जो एसपी था ये फाइनल वाला, ये एसपी किसका है, सी का, लेकिन ये डी के लिए क्या क्या बन गया, क्रयमूल बन जाएगा। तो 27 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 108, मतलब सी ने क्या फाइनली बेचा था क्वेश्चन में डी को, यानी सी ने डी को बेचा, तो ये जो आया ना, ये डी का 27 यूनिट, सी का क्या है, सेलिंग प्राइस है, यानी विक्रयमूल है, लेकिन डी के लिए क्या करेगा, क्रयमूल का काम करेगा, तो ये क्रयमूल हो गया। तो 27 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 108, कितना होता है, 27 चौके 108 होता है, यानी 40। तो उसी तरह सीपी निकालना है ए की, तो ए की ये कितना है, 25 यूनिट, तो 25 × 40, एक यूनिट की वैल्यू 40 गुना, यानी 27 40 गुना है, तो 25 का 40 गुना कितना हो गया, 1000, और ये क्या निकल जाएगा, ए, क्योंकि आपको पता चल गया ए इज टू डी। और क्यों मैं ये आपको देखने, ये मत देखिएगा इस एस पी है, एस पी है, लेकिन देखो ध्यान से देखो, ए इज टू बी, बी इज टू सी, सी इज टू डी। अब सी ने बेचा डी को, तो सी का ये एसपी है, लेकिन डी के लिए क्या बन जाएगा, क्रयमूल बन जाएगा, क्योंकि अगर मैं फाइनली आपको बेच रहा हूं, मेरे लिए तो वो सेलिंग प्राइस है, मैंने विक्रयमूल है, आपके लिए वो क्या हो जाएगा, क्रयमूल। तो आप रियल लाइफ सिचुएशन से एग्जाम्पल करो सारा क्वेश्चन, देखो इतने आसानी से बन गया, इसको हमें उतना जरूरत सोचने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को भी हम दो वे से करेंगे, बेसिक जानना जरूरी है आपको, भले ही लॉन्ग मेथड है डजंट मैटर, लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए, अगर बेसिक नहीं पता है आप आगे नहीं बढ़ सकते। हम हर इसीलिए जिस क्वेश्चन का बेसिक आपको सिखा सकता हूं, मैं सिखा रहा हूं, साथ ही साथ शॉर्ट अप्रोच पे हम क्वेश्चन शॉर्ट अप्रोच से ही बनाएंगे, लेकिन बेसिक पता होना चाहिए। देखो क्वेश्चन कर रहा है, ए सेल एन आर्टिकल टू बी, ए ने बी को बेचा, देखो मान लेते हैं ए है बी को बेचा, कितने परसेंट, 20% के प्रॉफिट पे, 20% ए ने बी को बेचा 20% के प्रॉफिट पे, बी स्पेंड्स 400 रुपया, बी ने क्या कर दिया, फॉर द रिपेयरिंग बी ने 400 रुपया खर्चा कर दिया, बी ने क्या किया, 400 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया रिपेयरिंग करके, और फिर क्या किया, बी सोल्ड टू सी, बी ने क्या कर दिया, सी को बेच दिया, कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 12.5% के प्रॉफिट पे सी को बेच दिया, ए ने बी को बेचा और बी ने सी को बेचा, लेकिन बी ने बीच में उस पर अपना भी पैसा लगा दिया, 400 रुपये स्पेंड कर दिया, मतलब खर्चा कर दिया। आगे देखो, इफ क्वेश्चन करा, इफ द कॉस्ट प्राइस फॉर सी इज, कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इज कितना है, 4500, तो कॉस्ट प्राइस सी है वो 4500 है, तो फाइंड द सीपी ऑफ ए, तो ए का कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें। हम पहले बेसिक अप्रोच से करते हैं, फिर हम वही चीज शॉर्ट अप्रोच अपनाएंगे। ध्यान से देखो, मान लेते हैं इसका कॉस्ट प्राइस क्या है एक्स, और यही फाइंड आउट करना है, एक्स का 20, तो देखो एक्स प्रॉफिट है कितना 20%, तो एसपी निकल जाएगा, बाई फार्मूला निकाल लो या इस तरह से भी निकाल सकते हो, एक्स का कितना 20%, मतलब प्रॉफिट का मतलब इंक्रीज, यानी एक्स का 120% निकाल लूँ, या तो फार्मूला में भी यूज कर सकते हो, एसपी क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100, या तो आप डायरेक्ट ही सोचो 100 पर, देखो पहले था 100% प्रॉफिट का मतलब 20% और बढ़ गया, यानी 120%, तो डायरेक्ट एक्स का 120% निकाल दिया, यानी कितना हो गया, कैंसिल, एक्स इंटू 2 × 6 = 12 × 5 = 10। ये जो बेचा ए का सेलिंग प्राइस बी के लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, यानी ये खरीदा बी कितने में, 6x/5, क्योंकि ए ने बेचा इतने में तो बी खरीदा, तो बी के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, बी ने खरीदा तो इतने में 6x/5 में, लेकिन उस पर 400 रुपया और स्पेंड कर दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ ना कि 400 रुपया और लगा दिया, यानी बी का सीपी, फाइनल बी का कॉस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं क्रयमूल, कितना हो गया, इतना रुपया, इस पे उसने कितना रुपये खर्च कर दिया, इस पे इतना परसेंट का लाभ ले लिया, यानी कि उसके बाद बेचा सी को, यानी 6x + 400, 6x/5 400 ×
आपको पता है 12.5% कितना होता है, 12.5% होता है 1/8, यानी बेच प्रॉफिट है तो प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी पहले था 1/8, प्रॉफिट का मतलब क्या, एक बढ़ के, यानी कितने में बेचा, 9/8 में, क्योंकि हमें डायरेक्ट जैसे हम निकालते हैं ना, देखो परसेंटेज में बढ़ाते हैं तो 100 को 12.5 से बढ़ाते हैं तो कितना होता है 112.5, लेकिन अगर फ्रैक्शन में बढ़ाना है, 1/8 है बढ़ाना है, यानी पहले 1/8 था तो बढ़ के कितना, 8 से कितना हो गया 9/8, इस तरह से लिखते हैं। अगर नहीं ये भी नहीं समझा तो 1+1/8 कर लो, क्योंकि बढ़ाना हमें पता है ना, 100% में 100 पे चलता है और फ्रैक्शन में वो चीज़ 1 पे चलता है, यानी 1+1/8 यानी कि 9/8, यानी पहले था परसेंटेज 1/8 होता है, बढ़ाना है, यानी जैसे हम इसमें 100+20 कर रहे थे, 20 का 120 कर रहे थे, उसी तरह फ्रैक्शन में 1 से बढ़ाएंगे, यानी 1+1/8 यानी 9/8। अब देखो ये वाला जो, ये जो सी ने बी ने सी को बेचा, यानी ये जो सी के लिए क्या हो गया, क्रैमूल हो गया, और टोटल सी का क्रैमूल कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखो 4500 रुपये। लो अब इसको कैंसिल सोल्व कर लें, 9 × 5 = 45, 500 हो गया, 9 × 5 = 45, 500। इधर देखो 500 × 8 यानी कितना हो गया, 4000 हो गया। इधर मैं करूं तो 600/5 + 400, अगर मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूं यहां पे, तो देखो 600/5, 4000 में से 400 कम इधर चला जाएगा तो 400 यानी 3600 हो गया, 6 क्या हो गया, 6×6 = 36, 600, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 600 × 5 यानी कितना हो गया 3000। यही तो निकालना था, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, कॉस्ट प्राइस ए का क्रैमूल निकालना था, तो कितना हो गया 3000 रुपये। ये तो रहा बेसिक अप्रोच, आपको ये समझाने के लिए इतना लॉन्ग लग रहा है, अदरवाइज ये भी लॉन्ग नहीं है, लेकिन बेसिक जानना पड़ेगा। अब इसका हम शॉर्ट अप्रोच देखते हैं जो हम थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, वो कैसे, देखो ध्यान से, मेथड टू कैसे यूज करेंगे, सीपी है एसपी है, ध्यान से देखो। पहला चीज है, पहली बार कितने में 20% का प्रॉफिट, ए ने बी को बेचा 20% का प्रॉफिट, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, प्रॉफिट का मतलब प्लस, यानी 5 की चीज कितने में बेची गई, 6 में, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना, 5 की चीजें 6 में बेची गई। आगे देखो, ए ने बी को बेचा, अब बी की बारी आती है, बी ने उस पर क्या खर्च किया, बी ने 400 रुपया एक्स्ट्रा अपना खर्च कर लिया, 400 रुपया खर्च करके बी ने किसको बेच दिया, सी को, सी बी ने किसको बेच दिया, सी को, सी को बेचा तो कितना परसेंट, 12.5%, 12.5% मतलब कितना होता है 1/8, और ये क्या है, प्रॉफिट है प्लस, यानी 8 का सम्मान 9 में बेच दिया, सीपी और एसपी हो गया। अब ध्यान दो, क्वेश्चन में ध्यान दो, ए ने बी को बेचा, ए ने, देखो ए ने बी को बेचा, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है, ठीक है। ए ने बी को बेचा और बी ने खर्चा करके सी को बेच दिया, तो ध्यान से देखो, बी ने बेचा, जो बी ने बेचा यानी बी का जो सेलिंग प्राइस होगा, बी का ये, बी ने बेचा यानी बी का ये सेलिंग प्राइस है, सी के लिए क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस। बी ने सी को बेचा, यानी देखो बी ने क्या बेचा, सी को बेचा, तो जो बी का सेलिंग प्राइस होगा वो सी के लिए क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस। मान लो फॉर एग्जांपल, मैं तुमको सामान बेचता हूँ, तो जो मेरा कॉस्ट प्राइस, मैं तुमको सामान बेच रहा हूँ, तो जो मेरा सेलिंग प्राइस हो गया, जो मेरा विक्रय मूल्य हो गया, तुम खरीद रहे हो, तो तुम्हारे लिए वो क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस। यानी सी का कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 4500, यानी ये जो सी है ना, ये देखने में ये बी का सेलिंग प्राइस है, तो सी बन गया, तो सी के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, क्योंकि सी ने खरीद लिया, इस बी ने बेचा तो सी ने खरीद लिया, तो सी का जो ये रियल में बी का सेलिंग प्राइस है, सी के लिए क्या बन जाए, कॉस्ट प्राइस। और 9 यूनिट की वैल्यू कॉस्ट प्राइस, सी की वैल्यू कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 4500, कितना गुना है 50, 9×5 = 45, 500, तो ये कितना हो जाएगा 500, इसकी भी मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो गया 500 यानी कि 4000। अब ये 4000 तो हो गया, 4000 क्या हो गया कि 4000 ये हो गया कि उसने, सी ने ये खरीदा, बी ने खरीदा, लेकिन बी जब खरीदा 4000, उस पर 400 रुपया अपना लगाया, यानी बी ने, देखो बी ने जब बेचा तो इतना में बेचा, बी ने क्या बेचा इतना में, लेकिन उस पर सोचो कि 400, क्योंकि बी का जो सेलिंग प्राइस होगा इसके लिए कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, देखो 400 रुपया बी क्या कर रहा है, उस पर अपना लगा रहा था, यानी कि हम अपोजिट सोच रहे हैं, तो 400 रुपया ना लगाया होता तो कितना होता, 4000 - 400,
क्योंकि ये खरीद के लगाया ना, कितना हो गया 3600। अब 3600 ए ने बी को बेचा होगा, यानी कितने में 3600 में बेचा होगा, यानी ये किसका गुना है, 600 गुना, तो ए का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। ये अगर ये 600 गुना है तो इसका भी 600 गुना कर दूं तो कितना हो गया 3000। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमें पूछ क्या रहा था, ए का ही पूछ रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे बना लेते हैं। एक बार अगर जिसको नहीं समझ में आए वो ध्यान से एक बार देख ले, क्यों मैं कम क्यों किया हूं, क्योंकि ऑलरेडी है यार, उसने 400 रुपया अपना ज्यादा लगाया ना, यानी 400 ज्यादा लगाया, यानी खरीदा कितने में होगा, खरीदा होगा 3600 में। और जब खरीदा होगा तो ए ने बेचा कितना होगा इसी को 3600 में, बी ने खरीदा 3600 में तो ए ने बेचा होगा, यानी ए का सेलिंग प्राइस ये इसके बराबर 600, तो इसका 600 गुना है तो इसका भी 600 गुना कर ले, आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे सोचते हैं, लॉजिकल अप्रोच अपनाओ सारा क्वेश्चन बनेगा। ये मेंस का क्वेश्चन था, ये एक्चुअली क्या है, मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक से बनाओगे उलझ जाओगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी, एक्स पे बनाओगे बहुत ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपको मेंस का क्वेश्चन पूछा गया, सेम सिचुएशन है, बस थोड़ी सी चेंजिंग क्या है वो देख लो। अभी तक हमने तीन केस देखा था, ए ने बी को, बी ने सी को, अब इस पे भी थोड़ा सा और घुमा दिया मेंस ने, क्या किया, एक और स्टेप ले लिया। देखो कैसे, ए सेल एन आर्टिकल टू बी, ए ने बी को बेचा 25% प्रॉफिट, बी स्पेंड टू सी 500 रुपया, उस पर बी ने 500 रुपया खर्चा किया रिपेयरिंग पे, और बी ने फिर फाइनली सी को बेच दिया इतने परसेंट प्रॉफिट पे, सी ने फिर उस पर 2000, सी को जो खरीदा उस पर 2000 रुपया स्पेंड कर दिया, मतलब खर्चा कर दिया, और फिर सी ने डी को सेल कर दिया 12.5% के प्रॉफिट पे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइज ऑफ ए एंड डी, डिफरेंस बिटवीन क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस ए और डी के बीच का डिफरेंस, कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ डी इज 6300 रुपये। ध्यान देखो क्वेश्चन कर रहा है, ए एक वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेचता है, लो 25% लाभ का मतलब कितना हो गया 1/4, यानी 4 का सामान किस पे बेचा, 5 पे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, ये ए ने किसको बेचा, बी को, तो बी ने क्या किया, देखो बी ने क्या किया, देखो बी उसकी मरम्मत पर 500 रुपया खर्चा कर दिया, बी ने क्या कर दिया 500 रुपया अपना लगाया उस पर, उसके बाद बी ने क्या बेच दिया सी को, और अधिक खर्च करता है 500 रुपया और अधिक खर्च करता है, यानी 500 रुपया खर्च करता है, और सी को 20% लाभ पर बेच देता है, 20% का मतलब कितना हो गया 1/5, यानी 5 रुपये से बढ़कर कितने में बेचा, 6 रुपये में। अब बी ने क्या किया, सी को बेच दिया, बी ने 500 रुपया खर्चा करके सी को बेच दिया, अब सी फिर क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, सी ने फिर क्या कर दिया, बी, ये बी ने इसको इतना में बेचा, तो सी जो आया, सी जो आया, देखो ध्यान से, सी ने कितना रुपया खर्चा कर दिया, अगर सी ने मरम्मत पे 2000 रुपया खर्चा कर दिया, ए ने बी को बेचा तो बी ने 500 रुपया लगाया, 500 रुपया लगा के इस हिसाब से बेचा सी को, तो सी को जो मिला ना वो सी ने 200 रुपया अपना एक्स्ट्रा लगाया, 2000 रुपया उस पर खर्चा कर दिया, और उसके बाद उसने फाइनली बेच दिया, फाइनली बेचा कितना 12.5% के प्रॉफिट पे, 12.5% का प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब कितना होता है 1/8, यानी 8 से बढ़कर कितना 9। अब देखो ये सी ने डी को बेचा ना, सी ने डी को बेचा, यानी सी का जो एसपी है वो डी के लिए क्या हो जाएगा, क्रैमूल हो जाएगा, यानी फाइनली डी का क्रैमूल कितना दिया, 6300, तो ये कितना गुना है 700 गुना, तो ये कितना गुना हो जाएगा 700 गुना, यानी 5600। अब 5600 होता, लेकिन इस पे 5600 होता है, 5600 रुपया में बेचा, ध्यान से देखो, लेकिन उस पे कितना खर्चा करके 2000 खर्चा करके, यानी सी ने कितना में खरीदा होगा, 56000 में से 2000 कम करेंगे, क्योंकि उस पे 2000 अपना लगाया था, यानी कितना हो गया 600, और ये कितना 3600 रुपया में खरीदा होगा। रियल में देखो 2000 रुपया उसने खर्चा किया ना, तो 2000 खर्चा किया, यानी कि खरीदा कितने में होगा, 2000 कम में खरीदा होगा 3600 में, और 3600 में ये बेचा होगा, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3600, यानी 600, तो 600 गुना, तो इसका 600 गुना कर लूँ, 600 गुना कितना हो गया 3000। अब ये 3000 बी ने खर्चा करके 500 रुपया खर्चा करके 3000 में बेचा, अगर 3000 में, अगर यानी कि बी ने कितना में खरीदा होगा 500 रुपया कम में, यानी 500 रुपया कम, यानी 2500 रुपया में खरीदा होगा, और यानी 2500 रुपया में खरीदा होगा, तो ए ने बी को बेचा होगा 2500 रुपया में, तभी तो बी ने खरीदा होगा, यानी ये इसका कितना गुना है 500 गुना, तो इधर कितना गुना हो जाएगा 500 × 400 कितना हो गया 5×20 2000, यानी ये ए की वैल्यू क्या आ गई, ए का कॉस्ट प्राइस आ गया 2000, और डी का तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था ना, डी का कितना था 6300, दोनों के बीच का डिफरेंस अंतर कह रहा है, तो 6300 में से 2000 घटा दो, कितना अंतर हो गया, ध्यान से देखो,
जीरो जीरो थ्री और ये 43,000, यानी 43,000 रुपये का क्या था डिफरेंस था। कुछ नहीं है, लॉजिकल सेंस है, लॉजिकल सेंस से क्वेश्चन बनेंगे, मेंस के क्वेश्चन थे, क्या था इसमें, सारे क्वेश्चन में तो कॉन्सेप्ट वही यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स जरूर करें कि आपको वीडियो से मज़ा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर जब तक मैथ में मज़ा नहीं आएगा ना तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इंटरेस्ट आपका आना चाहिए, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है और आपको श्योर बता रहा हूँ अगर रियल में आप ध्यान से देखोगे ना बहुत मज़ा आने वाला है। और आप जरूर कंट्रीब्यूट करो अगर आप भी पार्ट हिस्सा बनना चाहते हो तो, कि आपको PDF मिल जाए ताकि आपको टाइम आपका सेव हो जाए, तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इंस्ट्रक्शन आपको पहले ही बताया गया है। थैंक यू, बाय बाय।